खबर का रुख करते हैं। केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती एक बार फिर से विवादों में, और इस बार वो बयान की वजह से जेल भी पहुंच गए। यूपी के अस्पतालों पर सोमनाथ भारती ने विवादित बयान दिया था। इस बीच रायबरेली पहुंचे सोमनाथ भारती को विरोध का सामना भी करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल योगी की मौत सुनिश्चित है। सफेद मूंछ, सफेद दाढ़ी और फिर चेहरे पर टपकने लगी काली स्याही। करने से कुछ ना होने वाला, योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार फिर देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर कैसे आज स्याही फेंक दी गई। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस शख्स ने स्याही फेंकी उसको अचानक पुलिस ने घेर लिया। लेकिन आप जरा केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती पर नजर बनाए रखिए, देखिए कैसे वो खुद ही स्याही फेंकने वाले को सबक सिखाने के लिए दौड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्याही फेंकने वाला तो पुलिस के घेरे में रहने की वजह से हाथ नहीं आया, तो फिर सोमनाथ पुलिस वाले पर ही भड़क गए। कहा बीजेपी के इशारे पर पुलिस ने ही ये स्याही फेंकवाई है, और योगी पर भाई आपत्तिजनक बयान दे दिया। आप लीजिए, यही काम करवा रहे हैं आप? आप तो जाने दीजिए, जो करवाना था करवा लिए। आप यही काम करवा रहे हैं? क्या हुआ? अरे आप यही काम करवा रहे हैं? ये क्या किया? यही काम करवा रहे हैं? पुलिस के संरक्षण में गुंडे पलते हैं यहाँ पे, जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए ना सर, इतना पुलिस वाले योगी की नौकरी करते करते आप संविधान भूल गए? योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल योगी की मौत सुनिश्चित है। सर वो अरेस्ट होना चाहिए, भगाएं आप उनको। आपकी पुलिस और मेरी बात सुन लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये पूरा हंगामा कल यूपी के रायबरेली में हुआ। काली स्याही पर अब सफेद खादी की सियासत भी आपको बता देते हैं। ABP News आपको रखे आगे।